खुश, उत्साहित और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जिताने को तैयार। जो रिएक्शंस लोगों से मिल रहे हैं, जी न्यूज अब तक वो पहुंचा रहा है कि लोगों के जहन में क्या है। वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करेंगे पीएम, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री इसमें आज शामिल हो रहे हैं। पहले से ही वो कचहरी परिसर में मौजूद है, पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने वहां की। तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, लीडर्स, बल्कि एनडीए के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो पीएम यहां पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, क्या जानकारी अभी मिल रही है? क्या ये प्रक्रिया नॉमिनेशन की शुरू हुई? बिल्कुल, देखिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावकों के साथ नॉमिनेशन पेपर पर सिग्नेचर कर दिए हैं, और जो डीएम हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, और एक हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि एक प्रधानमंत्री डीएम के सामने खड़े होते हैं, और डीएम चूंकि इलेक्शन है वो बैठे रहते हैं और उनके सामने वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं प्रत्याशी के तौर पर। तो एक लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना है, जिसकी आलोचना बाहर के कई लोग करते हैं, देश में भी कई लोग करते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का भी कहना है। लेकिन एक वो तस्वीर आप देखिएगा, हमारे दर्शक भी देखेंगे कितनी खूबसूरत तस्वीर होगी, जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, वो बैठे रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिग्नेचर करने के बाद जो शपथ लेंगे वो खड़े होकर उनके सामने शपथ लेते हैं, और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जो हमें जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर वहां पर, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर हैं, एनडीए के तमाम घटक दल के बड़े नेता हैं, और हम लोग को जो पहले रोका गया था कचहरी गेट से, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है वहां पहुंच जाएं, और वहां की भी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नॉमिनेशन प्रक्रिया जो शुभ मुहूर्त था वो पूरी हो शुरू हो गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुँच भी गए, और यहाँ पर भी देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग कहीं रुक नहीं रहे, लोग को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है यहाँ पर। यहाँ भी उसी तरह के है तस्वीर, आप देखिए दोनों तरफ लोगों का हुजूम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अभी जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर आया तब भी ये लोग मौजूद थे, और अब जब वो निकलेंगे तब भी ये लोग यहाँ पर उनका अभिवादन करेंगे। तो जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई है, और चंद मिनटों में ही वो पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नॉमिनेशन पेपर है, या कोई भी प्रत्याशी होता है उसका नॉमिनेशन पेपर पहले से तैयार होता है, वो दे दिया जाता है जिलाधिकारी के सामने। वहाँ पर जो प्रत्याशी है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ जाएंगे, सिग्नेचर कर रहे हैं, शपथ लेंगे प्रस्तावकों के सामने, और उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। हो सकता है 2014-19 में इसी जगह पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की थी, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी। 2024 में वो तस्वीर अभी दिख नहीं रही है कि वो आकर अपनी बातें यहाँ पर करेंगे, लेकिन संभावना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन के बाद एक प्रत्याशी के तौर पर अपनी भावनाएं काशी और देश के सामने रखें। लेकिन वो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है, और भी हम नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा हुआ है, कलेक्ट्रेट में, कचहरी में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच गए हैं। आप देखिए कि इस घड़ी का काफी देर से इंतजार भी हो रहा था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन भी हो रहा है। तो ये कचहरी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं, एनडीए के घटक दलों के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिसमें 26 नाम हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर पीएमके के नेता हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के नेता हो, ये तमाम नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के समय मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, रक्षा मंत्री, ये सभी इस घड़ी पर मौजूद है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। तो एक जो प्रक्रिया होती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 370 और 400 पार का नारा दिया है, उसका एक पड़ाव है एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के जरिए, जहां वो खुद प्रत्याशी के तौर पर, और उनको भरोसा है, और यहां के काशी के कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, आपने भी दिखाया कि सबको यही है कि प्रधानमंत्री के सामने तो कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है कि जो मार्जिन है वो 10 लाख से ऊपर ले जाने की, और इसलिए लगातार यहाँ पर कि काशी के, खासकर
वाराणसी सीट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद मॉनिटरिंग करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर आते रहते हैं और संगठन को लेकर भी यहाँ पर कई तरह के जो चर्चाएं आपस में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन के बाद भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, बीजेपी के बड़े बड़े यहाँ के कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े, उनसे भी रूबरू होंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। तो अब उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से कोडरमा के लिए निकल जाएंगे झारखंड में रैलियां करने के लिए। कल भी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करने के लिए आए थे तो 4 रैलियां करके गुरुद्वारा में दर्शन करके वहाँ पर सेवा अर्पण करके यहाँ पर आए थे रोड शो करने के लिए। और आज भी सुबह से जो कार्यक्रम था उसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद एक पार्टी के काम के लिए कोडरमा जाएंगे, झारखंड जाएंगे। तो ये उनकी दिनचर्या लगातार, जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री न झुकते हैं और न ही वो आराम करते हैं, तो ये उनके जो लगातार पिछले कई दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं कि जो उनका प्रचार होता है पार्टी के लिए, वो साफ तौर पर रोज 4 से 5 रैलियां या रोड शो प्रधानमंत्री करते हैं मीटिंग के अलावा। तो अब उसी कड़ी में अपने प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रविंद्र, जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, नामांकन पत्र पर सिग्नेचर कर दिया है, शपथ ले लिया है और अब वहां पर जो एक औपचारिकता होती है वो औपचारिकता निभाई जा रही है, क्योंकि घटक दल के नेता भी है वहां पर मौजूद हैं। और जो औपचारिकता होती है, हर प्रत्याशी जो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं प्रशासन के साथ, वो भी प्रधानमंत्री, वो तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद आ जाएगी जो दर्शकों के सामने आप दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने नामांकन अपना कर दिया है, 11:40 का शुभ मुहूर्त था, 11:40 में ही प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री का नामांकन हो गया है NDA घटक दलों और 4 प्रस्तावकों के सामने। जी बिल्कुल, जो जी, और आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने के लिए। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? सब अब यानी नॉमिनेशन,